हेलो। यस सर। हाँ, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ओके, सो ये देखिए, इस तरीके से हम इस तरह से हम नॉर गेट से और गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सर ये सारे स्क्रीनशॉट हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ में लगाने हाँ जी, पड़ेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए हमारा ये आ गया। अब इसको फिर से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपका आ गया। नॉर गेट से हम क्या बना रहे हैं? एंड गेट। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। ऐसे बी से हम यहाँ से इनपुट दे दे रहे हैं, यहाँ से फिर इसको हम यहाँ आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और इसको चेक कर लीजिए, कनेक्शन आपको दिखा देगा। चेक द कनेक्शन, दैट इज राइट। ठीक है, ये भी आपको, अगर आपको ये ऐसे ड्रॉ करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो भी हमने आपको बताया था, यहाँ से आप कैरी पार्ट में जब जाएंगे तो अगर कोई गेट को आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से हेल्प लेके कनेक्शन कर सकते हैं। कि देखिए नीचे दिया हुआ है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट से और गेट अभी हमने बनाया था, नॉर गेट से एंड गेट हमने रियलाइज किया। ये देख सकते हैं आप, ये सारे सर्किट आपको अपना रिटन वर्क में जब राइटअप लिखेंगे तो सबको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नॉर गेट एज एक और गेट है, फिर फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ये देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एंड गेट में किया था, ऐसे नॉर गेट में भी एक हमारा यूनिवर्सल फंक्शन है, इसको भी हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग कर ही लेंगे। फंक्शन वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को अगर आपको रियलाइज करना है तो आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यू डू दिस फॉर द फंक्शन रियलाइजेशन। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है ये वाला, सी डॉट बी डॉट ए, सी डॉट बी बार ए, ये आपको देख सकते हैं इस तरीके से। फंक्शन को भी रियलाइज कर सकते हैं, कर लेंगे बेटा आप लोग इसको। जैसे अभी हमने नैंड गेट के लिए बताया था, नॉर गेट वाला भी कर लेंगे सभी यस सर। लोग। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात मुझे और बतानी थी आप लोगों से। सभी लोग, जैसे पांच एक्सपेरिमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं आज मिला के, ठीक है? तो इसी वीक में आपका एक लैब मिड सेम होगा। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ रही? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इन दिस वीक योर लैब मिड सेम विल बी देयर। और शेड्यूल डे पे नहीं होगा, मतलब मैं आपको भेज दूंगा किस दिन आपका होना है, अकॉर्डिंग टू योर प्री शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा। गूगल क्लासरूम पे मैं वो शेयर करूंगा। उसमें 20 क्वेश्चंस टोटल होंगे, पांच लैब आपकी हुई है, तो पांच में से सारे एक्सपेरिमेंट में से चार चार एक्सपेरिमेंट आपके, चार चार क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 5 4 20 हो गया। ठीक है, 20 आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 1 1 मार्क्स के, तो वो आपको करना होगा। ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा और विद इन टाइम उसको आपको कंप्लीट करके सेंड करना होगा। वो आपको शेड्यूल और सारी चीजें मैं आपको क्लासरूम पे या आपके क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर, ओके सर, यस तो सर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसी वीक में मैं कराऊंगा, मोस्ट प्रोबली हो सकता है, एक आज ट्यूसडे है तो वेंसडे तक मोस्ट प्रोबली हो सकता है मैं करा दूं, वेंसडे या थर्सडे में। ठीक है, क्लियर?
तो उसमें 5 एक्सपेरिमेंट तक आपके आएंगे, जो पहले 5 हमने कराए हैं उन्हीं में से 20 क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का मिला के 5 एक्सपेरिमेंट आपका हो गया है, ठीक है। इसका मैंने लैब मैनुअल आपको शेयर कर दिया है क्लासरूम में, तो आई थिंक सभी को मिल गया होगा लैब मैनुअल, सभी को मिल गया होगा आई थिंक, शेयर किया है मैंने क्लासरूम में, तो वो आपको लिखना है, ठीक है, वो आपको लिखना है। टाइम टाइम आपका बता उसमें मेंशन होगा बेटा, ठीक है, टाइम आपका सब कुछ मेंशन होगा, उसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब पता हो जाएगा आपको, उसी टाइम के अंदर आपको सबमिट करना है, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, कितना टाइम है, क्या है, किस टाइम पे होगा, स्टार्ट कितने बजे होगा, एंड कितने बजे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ क्लासरूम के थ्रू शेयर करूंगा 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो आप लोग 5वें एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है, और सभी लोग टाइमली लैब मैनुअल अपना लिख के सबमिट कर दीजिए, क्योंकि मैं सभी को मैनुअल शेयर कर दे रहा हूँ, उसी को आपको केवल देखना है और लिखना है, और बाकी जो हमने जैसे वर्क कराया उस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेके लगाना है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, पिछले वाले जितने भी हैं, तो उसको टाइमली सबमिट कर दीजिए, नहीं तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और है वो भी करा देता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं शेयर करता हूँ आपको। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, वो आपका क्या है, एक मिनट, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो आपका है ओपैम का, ये देख सकते हैं आप लोग, टू स्टडी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एडर एंड सब्ट्रैक्टर, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करना है, जो कि एडर और सब्ट्रैक्टर की तरह वर्क कर सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये एक आपका डुअल स्लोप एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जो कि हाई गेन एम्पलीफायर है, जो कि जैसे आप इनपुट देते हैं एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा, ये भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जो इसके इनपुट पे, जो भी इनपुट पे हमारे सिग्नल देंगे आप, चाहे साइन वेव देंगे, चाहे स्क्वायर वेव देंगे, चाहे रेक्टेंगुलर वेव देंगे, चाहे सॉटूथ वेव देंगे, तो ये उस पे जो है उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक। और एम्पलीफाई करने के लिए इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इट जस्ट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन टू दैट इनपुट टू गेट टू अचीव द एम्पलीफिकेशन। किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है टू गेट द एम्पलीफाइड आउटपुट, ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन है, एज एडर काम करना, एज ए सब्ट्रैक्शन की तरह काम करना, या एज ए सब्ट्रैक्टर को हम लोग डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, या डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, या एज ए इंटीग्रेटर काम करना, या एज ए डिफरेंशिएटर काम करना। इंटीग्रेटर में क्या होता है कि जो भी इनपुट देते हैं उसमें इंटीग्रेट कर देता है आउटपुट पे, डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा, तो जो भी इनपुट देंगे उसमें डी बाई डी लगा देगा, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह, ठीक है, डी बाई डी एक्स फॉर्म में, तो भी डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही एडर की बात करें तो एडर का मतलब है कि हम एक से ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, दो से ज्यादा इनपुट, ठीक, तो हमको ऐड करके आउटपुट पे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर 4 इनपुट हमने वोल्टेज सिग्नल दिए 4 इनपुट पे, तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर इस फॉर्म में कुछ अगर मिल रहा है तो वो एडर हो गया। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 इनपुट हमारे पास है बी वन और बी टू, ठीक है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो बी टू माइनस बी वन मिला, मतलब हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, तो हमको सब्ट्रैक्शन की तरह काम करना है, ठीक है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने बताया कि आपको ये बहुत ही हाई गेन एम्पलीफायर होता है, जो कि जिसका गेन जो है बहुत हाई होता है,
मतलब अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो गेन इनफाइनाइट होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज इनफाइनाइट तो होती नहीं है, हाई होगा बहुत ज्यादा गेन। आइडियल ओप एम्प में हाई फाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल ओप एम्प में बहुत हाई होता है गेन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको सर्किट भी दिखा देता हूँ किस तरह की सर्किट होती है। आवाज आ रही बेटा सभी को? यस सर। तो ये टॉपिक नया है आप लोगों के लिए, भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की, सिलेबस में आपके है फर्स्ट ईयर में, तो जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को ये थोड़ा समझ में भी आएगा। अभी पढ़ाया नहीं गया होगा आप लोग को, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको कुछ डिटेल दिखा देता हूँ, हाँ ये आप एक सर्किट देखिए यहाँ पे, ये आई थिंक सभी को सर्किट दिख रहा होगा बेटा, सभी को सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट दिख रही है सभी को? यस सर। देखिए इस तरह से हमारा कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये देख सकते हैं आप ये, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर सर्किट होती है, ट्रांजिस्टर आप सभी लोग जानते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो भी हमारा एज एन एम्पलीफायर काम करता है, वो भी इनपुट को एम्पलीफाई करता है आउटपुट पे, ठीक है। वैसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, ये भी हमारा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। देखिए इस तरह से कुछ सिंबल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। ए का मतलब है एम्पलीफायर, जो ए लिखा है मतलब एम्पलीफायर, इसके दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से सिंबल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो जो ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। इन्वर्टिंग क्या करता है, इन्वर्टिंग का मतलब ये जो किसी चीज को उल्टा कर दे। तो जैसे मान लीजिए ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे देखिए हमने एक वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है V1, नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और आगे वोल्टेज इनपुट दिया हुआ है V1, ठीक है। इसी नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा वोल्टेज V2 भी कनेक्टेड है, ये देखिए इसी नेगेटिव टर्मिनल से, प्लस वाले को हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये जो सर्किट है ये इन्वर्टिंग कॉन्फिग्रेशन की सर्किट, ठीक है। ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है RA, दो इनपुट है R और R, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। फीडबैक का मतलब जो कि आउटपुट से इनपुट की तरफ कनेक्टेड हो, यहाँ आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट से एक रेजिस्टेंस इनपुट की तरफ कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों इनपुट रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है बेटा? जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी इनपुट इम्पीडेंस, इसीलिए गेन इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, ठीक है, वो सब इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। तो हम आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे अभी, अभी आप इतना समझ लीजिए इस तरह से ओपैम की सर्किट है, उसमें हमको दो चीजें अचीव करनी है, एक एडर और एक सब्ट्रैक्शन। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ओपैम की सर्किट है, यहाँ से हमको आउटपुट मिल जाएगा। एडर क्या करेगा, V1 प्लस V2 दे रहा है, V1 प्लस V2 क्या है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जितने भी इनपुट आप लगाते जाएंगे, यहाँ से एक और लगा लीजिए V3 आ जाएगा, तो तीनों को अगर ऐड करके हमें आउटपुट पे दे रहा है, मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आउटपुट है ना, आउटपुट हमारा सम रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद V1 प्लस V2 प्लस V3, आप चूंकि दो इनपुट दे रहे हैं तो V1 प्लस V2 दे रहा है, तो इसके लिए हमारा ये एडर की तरह काम कर, ठीक है। सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे, सब्ट्रैक्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा सब्ट्रैक्टर है। सब्ट्रैक्टर में देखिए ये दो इनपुट है V1 और V2, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा, एक नॉन इन्वर्टिंग पे लगा, ठीक है। तो V2 माइनस V1 दे रहा है, ये देखिए डिफरेंस दे रहा है, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज, इसलिए सब्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट होता है, इन्वर्टिंग पे भी और नॉन इन्वर्टिंग पे, ठीक है, किस केस में, सब्ट्रैक्टर के केस में। लेकिन जो एडर होता है, एडर में या तो आप इन्वर्टिंग पे कनेक्ट करेंगे या नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्ट करेंगे एट ए टाइम, ठीक है, दोनों पे एक साथ नहीं कनेक्ट करेंगे।
या तो आप इन्वर्टिंग पे वोल्टेज लगा के आप कनेक्शन कर दीजिए, या नॉन इन्वर्टिंग पे लगा के कर दीजिए। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि कुछ भी आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको एम्पलीफाइड मिलेगा लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है, आपको दिखा देता हूँ नोट करके। जैसे अगर हम इन्वर्टिंग की बात, नॉन इन्वर्टिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमने इनपुट दिया, ये हमारा इन्वर्टिंग आउटपुट ओपैम्प है, ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, एम्पलीफाई हो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब प्लस वाले पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा आउटपुट, तो हमारा इस तरह से नहीं मिलेगा। एक मिनट बेटा, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि हम जैसे इनपुट देंगे उसका फेज चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, ये इनपुट हम दे रहे हैं, यहाँ एक नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प लगा दिया, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो एम्पलीफाइड मिलेगा लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होगा। इन्वर्टिंग में क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, यही हमको एडर और सब्ट्रैक्टर का देखना है। मैं आपको वर्चुअल वो वाला करा देता हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए एक मिनट। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं आपको सीधे वर्चुअल सर्किट पे लेके आता हूँ, 10-15 मिनट और लगेंगे। एक मिनट, ओके, तो दिस इज द वर्चुअल लैब, यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं, पहला वाला हमारा, पहले मैं एडर बता देता हूँ, नीचे एडर है, पहले एडर समझा देता हूँ। ये देखिए एक सर्किट है, ये सर्किट कहाँ से आएगी, यहाँ डिस्प्ले सर्किट है, इवेलुएट आ रहा है, ये आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो गया, इसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये आ गया, ठीक है, ये सर्किट आ गई। ये देखिए हम दो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, V1 और V2, कहाँ पे कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग इनपुट पे, प्लस वाले को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये इन्वर्टिंग टाइप सर्किट है, ठीक है। इसका गेन क्या होगा, -Ra/R1 होगा, तो नॉन इन्वर्टिंग होता तो 1+Ra/R1 होता, ठीक है। ये तब डेरिवेशन आप लोग पढ़ेंगे जब पढ़ाई करेंगे, तो जो इन्वर्टिंग का गेन होता है वो -Ra/R1 होता है, R1 नहीं बल्कि ये R होना चाहिए, R1 गलत लिखा है क्योंकि इनपुट हम R दे रहे हैं, फीडबैक तो RF है, ठीक है। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे तो 1+Ra/R1 हो जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग का केस कब आएगा, जब प्लस वाले पे हमारा ये वोल्टेज कनेक्ट होता और ये माइनस वाले को हम ग्राउंड कर देते थे, ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग बन जाता। जिस पे आप वोल्टेज कनेक्ट करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लस पे करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग, माइनस पे करेंगे तो इन्वर्टिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज गिवन है, मैं साइन वेव सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई भी वेव ले सकते हैं, साइन, कोसाइन, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। ये टाइप सोर्स वन है, टाइप सोर्स वन मतलब दो सोर्स है ना, एक सोर्स वन है, एक सोर्स टू है। टाइप सोर्स वन पे हमने साइन ले लिया, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोसाइन भी ले सकते हैं, ट्राइंगल, तो मैं साइन ले लेता हूँ। टाइप सोर्स टू पे हमने भी साइन ले लिया, ठीक है, दोनों साइन वेव है। एम्पलीट्यूड टू है, यहाँ एम्पलीट्यूड वन है, देख सकते हैं ये हमारा एम्पलीट्यूड वन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू है जो कि सेकेंड वाले सोर्स का है, ठीक है। तो एक एम्पलीट्यूड वन है, एक एम्पलीट्यूड टू है, तो गेन हमारा -2 आएगा। गेन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, -Ra/R1 से। Rf की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ -2/1 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, तो गेन आपका कितना हो गया, -2, ठीक है। अब जब यहाँ प्लॉट करेंगे बेटा, जैसे देखिए मैंने, एक मिनट रुकिए, मैं वो ले लेता हूँ वैल्यू, ये थोड़ा तो काफी देर से आई थिंक ये सेम वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आप देखिए, जैसे ये देखिए ये आ रहा है, जब मैंने इसमें सर्किट पे क्लिक किया, सर्किट हमारे पास आ गई,
डिस्प्ले सर्किट के सर्किट आ गए, साइन वेव हमने ले लिया, ठीक है। अगेन सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई, प्लॉट करेंगे। प्लॉट पे देखिए यहाँ साइन वेव आपको दिख गया, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड आपका 1 है, ठीक है। क्लियर बेटा, एक इनपुट हमारा 2 है और एक इनपुट 1 है, ठीक है, जो यहाँ 2 इनपुट आपको दिख रहे हैं, 2 और 1, ठीक। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब आप देखिए हमें जो आउटपुट मिलेगा, अगर हम आउटपुट पे क्लिक करेंगे, प्लॉट आउटपुट, आउटपुट पे करेंगे तो यहाँ देखिए आउटपुट प्लॉट हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, एम्पलीट्यूड 6 मिल रहा है आउटपुट का, ठीक है। और इनपुट का एम्पलीट्यूड कितना था, 2 और 1 था। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें जो आउटपुट मिलता है एडर में क्या मिलेगा, एडर सर्किट क्या करता है, वी नॉट इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ इनपुट का सम। जैसे देखिए आप यहाँ पे मैं आपको करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू आर ए बाई आर वन माइनस आर ए बाई आर वन, या आर आर लेंगे, आर वन नहीं होगा, माइनस आर ए बाई आर ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू, ठीक है। तो वी वन प्लस वी टू करेंगे, इसकी मॉड वैल्यू ले लीजिए, मॉड लेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड से हमको मतलब आर ए बाई आर, आर आपका कितना आया था, 2 आया था ना, दिस इज 2, और वी वन प्लस वी टू कितना हो जाएगा, वी वन आपका 2 है, देख सकते हैं वी वन 2 है और वी टू 1 है, तो 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 3, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ये देखिए हमें 6 आउटपुट मिल रहा है, ये देखिए 6 मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट। हेलो, 6 मिल रहा है बेटा आउटपुट, यस सर, यस सर। तो इस तरीके से हम आउटपुट निकालते हैं, ऐसे ही सबट्रैक्शन के लिए है, सबट्रैक्शन वाला हम आपको अगले टर्न पे करा देंगे, तीन टाइम ओवर हो गया है, सबट्रैक्शन वाला मैं अगले टर्न पे आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही सबट्रैक्शन वाला करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ही सर्किट बनी हुई है, ये मैं आपको अगले टर्न पे दिखा दूंगा करके, ठीक है। 2 मिनट का और बचा हुआ, 5 मिनट में इसको करके फिर अगला एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर, यस सर, ठीक है। आई थिंक सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी अपनी, यस सर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म पे हम इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे, अगली लैब पे भी डिस्कस, अगली लैब में भी हम 2 एक्सपेरिमेंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग मिड सेम की तैयारी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है बेटा, फिर थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सर, वेलकम सर, मीटिंग को एंड कर देता हूं। Thank you.